तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे WWE लेजेंड्स के बारे में जिनको अगर मैं आज के WWE के जमाने में डाल दूं तो वो कितने कमाल के WWE चैंपियंस बन सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, इसको एंड तक देखते रहे गाइज। लाइक कर दे, जो हमारा लाइक का गोल है वो है 3000 का, फटाफट से स्मैश कर दे लाइक बटन को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये टॉप 10 की प्लेलिस्ट होती है पूरी, उसको आपको जाके चेकआउट करना है, उसमें 100 से भी ज्यादा वीडियो है, मजा आ जाएगा देख के। लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन लेजेंड्स को अगर हम अब उठा के ले आए तो उनको चैंपियन बना लें तो मजा आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनकी पुरानी प्राइम में, यानी कि जो प्राइम जॉन सीना है, उनको अगर हम आज के डेट में ले आए और अभी मैं WWE में डाल दूं तो क्या वो एक सक्सेसफुल चैंपियन बन सकते हैं और क्यों, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एक नाम मैंने आपको यहीं पर बता दिया, इट इज जॉन सीना, नंबर 10 पे, द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बोलता हूं, यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट प्लस WWE चैंपियनशिप, तो 16 बार वो चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन अगर हम प्राइम जॉन सीना की बात करें, जो कि हमें 2000s के अंदर देखने को मिले थे, क्या गाइस वो अगर आज की डेट में आके चैंपियन बन जाए, वही सेम बंदा, वही सेम गिमिक, तो क्या वो आज की ऑडियंस के सामने, आज के क्राउड के सामने सक्सेसफुल हो पाएगा? आई रियली थिंक कि हो पाएगा। और जॉन सीना एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, जिसको इस समय WWE जो है काफी दिक्कत हो रही है उनको अट्रैक्ट करने में। और ऊपर से मैं ये भी कहूंगा कि भाई जॉन सीना की जो मर्चेंडाइज सेल्स थी इतनी ज्यादा थी कि आई डोंट थिंक कि उनसे आगे कोई कभी निकल पाया है। तो जॉन सीना अगर वही गिमिक आज की डेट में वापस आ रहे हैं तो आई थिंक ये काफी कमाल का चैंपियन बन सकता है WWE के लिए। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो दिस इज द अंडरटेकर। अब जबकि अंडरटेकर केवल 7 टाइम WWE चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और वो माने नहीं जाते कि वो टॉप पे रहे कंपनी के एज अ चैंपियन। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि अंडरटेकर जैसी फिगर इस समय आज के इस रोस्टर में मिसिंग है, और आज की डेट में क्या बल्कि किसी भी जमाने में अगर हम प्राइम अंडरटेकर को डाल दे तो आई डोंट थिंक कि वो एक फेलियर होने वाला है। और डेफिनेटली अगर वो आज के इस जमाने में आ जाते हैं जहां पे क्राउड नहीं है, जहां पे अंडरटेकर को वीकली परफॉर्म करना पड़ रहा है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अंडरटेकर के पास, WWE के पास, जिसको वो यूज करके गाइस एक काफी कमाल का सेटअप बना सकते हैं और अंडरटेकर की बुकिंग कर सकते हैं। नंबर 8 की हम बात करें गाइस, तो यहां पे नाम आता है कर्ट एंगल का, जो कि 1 टाइम WCW चैंपियन और 4 टाइम WWE चैंपियन है। और इनको मैंने अपनी लिस्ट में क्यों रखा है, इसके पीछे काफी कमाल का रीजन है। अब जैसे सीना है यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाले, अंडरटेकर एक यूनिक गिमिक प्रोवाइड करते हैं, कर्ट एंगल इज द होल कंप्लीट पैकेज। यानी कि किसी भी चीज के अंदर अगर मैं कर्ट एंगल को डाल दूं, उनको हील बना दूं, फेस बना दूं, या इवन कॉमेडी कैरेक्टर भी बना दूं, वो चीज भी कर्ट एंगल काफी अच्छे तरीके से जो है वो पोर्ट्रे कर सकते हैं, बन सकते हैं। और एज अ वर्ल्ड चैंपियन, जबकि उनकी रेंज बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली थी, मैं कहना चाहता हूं कि कर्ट एंगल टॉप पे इसलिए बेस्ट है क्योंकि भाई उनकी रेसलिंग इतनी कमाल की होती है, उनकी स्टोरी डिलीवरी इतनी कमाल की होती है, प्रोमो वर्क एज आई सेड इज द होल पैकेज, और डेफिनेटली इस वजह से वो आज के दिन में भी काम करेंगे। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे आते हैं हल्क होगन। मुझे पता है कि ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन 6 टाइम WWE चैंपियन, 6 टाइम WCW चैंपियन, यानी कि 12 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और मैं कहूंगा भाई हल्क होगन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रेसलिंग में उस लेवल की बेबी फेस पॉपुलैरिटी आई डोंट थिंक कि किसी ने पाई है। यानी कि हल्क होगन सिर्फ एक रेसलर नहीं था, हल्क होगन सिर्फ एक कंपेटिटर नहीं था, हल्क होगन एक सेलिब्रिटी था, हल्क होगन एक गॉड बन चुका था रेसलिंग फैंस के लिए, और हमेशा लोगों को विश्वास था 101% के सारे जो मेन मैचेस हैं वो हल्क होगन ही जीतेगा। तो अगर आज की इस डेट में हल्क होगन को हम WWE में डाल के एज अ चैंपियन बुश करें, वही प्राइम होगन को, वही सेम कैरेक्टर को, क्या आपको लगता है कि वो WWE में एक सक्सेस हो पाएगा? वेल आई डोंट थिंक, लेकिन मैंने इनको लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि गाइज वो एक पोलराइजिंग चैंपियन बनेंगे। अब जॉन सीना की मैं बात करूं तो उनको माना जाता है एक ऐसा सुपरस्टार जिसको सबसे ज्यादा पोलराइजिंग रिएक्शन मिलता है, यानी कि मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है, आधे लोग चीयर करते हैं, आधे लोग बू करते हैं। और हल्क होगन की प्राइम में आपको बता दूं एज अ फेस ही थी, ना कि एज द हॉलीवुड हल्क होगन। और गाइज आज की डेट में अगर वो आते हैं तो वैसे ही पोलराइजिंग चैंपियन बन सकते हैं जैसे कि जॉन सीना अपनी प्राइम के अंदर थे, और काफी यूनिक भी हैं हल्क होगन क्योंकि उनकी जो फिजिक है, जो उनका स्टाइल है, जो उनकी एनर्जी है प्रोमोस के अंदर। और फिर से मैं हर बार ये रिपीट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज का 60 साल से भी ज्यादा का हल्क होगन मैं लेके आ जाऊं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम सेइंग द प्राइम होगन अगर वो आए तो काफी कमाल कर सकते हैं। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे आते हैं शॉन माइकल्स, और बिल्कुल भी वो गंजे वाला नहीं जो कि सुपर शोडाउन में कंपीट कर रहा था, मैं बात कर रहा हूं द प्राइम शॉन माइकल्स जो कि है 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शॉन माइकल्स ना भाई एक ऐसा सुपरस्टार है
जिसको लोग पसंद करते ही हैं। मतलब कुछ भी तुम कर लो, बहुत कम ऐसा चांस है कि शॉन माइकल्स को लोग बू करें। अगर बू भी कर रहे होंगे ना अरीना के अंदर, तो एक्चुअली में उनको शॉन माइकल्स का कैरेक्टर पसंद आ रहा होगा। वो है ही एक नेचुरल एंटरटेनर। और मैं कहना चाहता हूँ कि शॉन माइकल्स की अगर हम पूरी हिस्ट्री देख लें, अगर आपने मंडे नाइट वॉर्स की मेरी सीरीज देखी है, आप जानते हैं कि कितनी अलग अलग चीज़ों के अंदर शॉन माइकल्स को डाला गया था, और ऑलमोस्ट सभी के अंदर शॉन माइकल्स जो है वो निखर के आए थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा। और उसके ऊपर से एक चीज शॉन माइकल्स ऐसी देते हैं जो कि आज की रेसलिंग में हम शायद मिस करते हैं, दोस आर कि एवरी सिंगल मैच इज अ क्लासिक। और ये वो बंदा है जो कि अगर मेन इवेंट लीड करता है तो भाई हर मैच 5 स्टार देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब चाहे कोई रेटिंग इसको दे या ना दे, लेकिन डेफिनेटली गाइस शॉन बिलोंग्स इन दिस लिस्ट। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहां पे आते हैं गाइस ब्रेट हार्ट, और ये हैं WWE के 5-time चैंपियन और 2-time WCW चैंपियन। अब मुझे नहीं लगता कि ब्रेट हार्ट जितने पॉपुलर WWE में थे उससे कई गुना भी कम अगर हम करते तो उतने पॉपुलर वो थे WCW में। मेन थिंग वॉज द WWF। मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब के बाद ब्रेट हार्ट का करियर जो है वो एक डेकलाइन पे चला गया था, लेकिन गाइज उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेट वॉज इन इज प्राइम, द हार्ट फाउंडेशन। टैग टीम की हम बात कर लें, हम सिंगल्स की बात कर लें, हम स्टोरी लाइन डिलीवरी की बात कर लें, क्या ऐसी चीज है जो ब्रेट हार्ट नहीं कर सकता, रेसलिंग की आप बात कर लो। और सबसे कमाल की बात जो है ना ब्रेट हार्ट की, वो ये कि उनको सबसे टॉप का टाइटल देना कोई जरूरी नहीं है, उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ये सब टाइटल भी देंगे तो वो उनको वर्ल्ड क्लास प्रूव कर सकते हैं। मतलब कई मोमेंट्स पे तो ऐसा लगने लग सकता है कि ब्रेट हार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इज मच बेटर, मच बिगर देन द WWE और यूनिवर्सल चैंपियन। तो ये चीज गाइस डेफिनेटली ब्रेट हार्ट की है, और अगर उनका प्राइम गेमिंग हम आज के डे में डाल देते हैं तो भाई वो तो भाई बहुत ही कमाल का चैंपियन बन जाएगा। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो ये डेफिनेटली इस लिस्ट में होना ही चाहिए था, एंड इज द 14-time वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि ट्रिपल एच द किंग ऑफ किंग्स द गेम। और ये लिस्ट में है क्योंकि भाई इन पे तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। कुछ साल पहले या फिर जब भी उनकी रीसेंट स्टोरी लाइन की बात करें, कभी ऐसा हुआ है कि ट्रिपल एच रिंग के अंदर आए हों, अपनी प्रोमो में उन्होंने डिसअपॉइंट कराओ, या उनकी फ्यूड इतनी ज्यादा बेकार हो कि हम कहें भाई ये क्या चल रहा है। मतलब मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पूरी स्टोरी लाइन की नहीं। और अगर हम प्राइम ट्रिपल एच की बात करें जो कि 2008 यानी कि शॉन माइकल्स के जाने के बाद जो कि DX में था, जो पूरे अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक वर्ल्ड चैंपियनशिप पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते जा रहा था, वो वाला ट्रिपल एच गाइस वाज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। उनकी स्टोरी लाइंस इतनी ज्यादा अच्छी थी और उनका इनपुट आज के WWE में इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्रिएटिवली कि अगर वो अपने प्राइम कैरेक्टर को खुद इस समय बुक करना चाहें तो आई थिंक वो उससे भी ज्यादा बेटर होगा जो कि हमें उनकी प्राइम में देखने को मिला। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये चीज ऑटोमेटिकली एक्साइटिंग हो जाती है और ये चीज हम देखना चाहेंगे। नेक्स्ट नेम की हम बात करते हैं तो ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है गाइस, ही इज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन द टेक्सास रैटलस्नेक, और ये है गाइस 6-time वर्ल्ड चैंपियन। और ऑस्टिन, ओ माय गॉड, आज की WWE में एक चीज क्या मिसिंग है भाई, क्या मिसिंग है, क्राउड तो है, लेकिन जब नॉर्मल होते हैं सरकमस्टेंसेस तब भी क्राउड पूरा अरीना में नहीं आता। और अगर एक नाम मुझे ऐसा लेना हो जो कि गारंटी कर सकता है कि तुम्हारी सारी टिकटें बिक जाएंगी, इज नन अदर देन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। उनका प्राइम आई डोंट थिंक कि एटीट्यूड एरा में और कोई भी सुपरस्टार ऑस्टिन से ऊपर था, और इसी वजह से अगर मुझे रॉक और ऑस्टिन का प्राइम में से चुनना होगी कौन ऊपर था, इट इज वेरी वेरी क्लोज, लेकिन गाइज मैं ऑस्टिन को चुनूंगा। और ये लिस्ट किसी ऑर्डर में नहीं है कि सीना मैंने सबसे बोला तो वो बेकार नाम है, वो होना नहीं चाहिए। ये सारे मेरे ऐसे 10 नाम है जो मैं चाहता हूं देखने। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की मैं क्या बात करूं, क्या आप सोच सकते हैं कि वही प्राइम ऑस्टिन, आप उसे याद कीजिए, उसको अगर हम आज की इस डेट में उठा के डाल दें, मुझे नहीं लगता कि लोग उनको उतना बड़ा रिएक्शंस देंगे या फिर WWE इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा रेटिंग लेके आ पाएगी। लेकिन गाइज ऑस्टिन की आज भी बहुत ज्यादा कमाल की रीच है और हम उसको तो कंपेयर कर ही नहीं रहे। अगर उनको प्राइम जैसा सपोर्ट आज के दिनों में मिल जाए तो भाई कमाल का मजा हो जाएगा, एंड ही कैन बी एन एक्सीलेंट चैंपियन, और काफी सारा जो रोस्टर है पीछे ऑस्टिन के लिए वो उनके अगेंस्ट भी लड़ सकता है। नेक्स्ट नेम की हम बात करते हैं तो यहां पे आते हैं ऑब्वियसली द रॉक, और ये हैं गाइस 2-time WCW चैंपियन एंड 8-time WWE चैंपियन। अब WCW की तो हम बात ही नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि द रॉक वाज बॉर्न ब्रेड एंड बिकेम पॉपुलर इन WWE, और उनका जो गिमिक है द रॉक वाला वो भाई मतलब क्या बोलूं मैं, इतना ज्यादा पॉपुलर वो उस गिमिक से हो गए कि आज की डेट में भी ही इज द बिगेस्ट एक्टर इन हॉलीवुड, ही इज प्रॉबली द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी अक्रॉस सोशल मीडिया। अगर हम एक्टर्स की बात करें या फिर रेसलिंग बैकग्राउंड की बात करें, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, रॉक से ऊपर कोई भी नहीं है, उनकी फैन फॉलोइंग इज नेक्स्ट लेवल। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टिकटें अगर बेच सकता है क्योंकि वो रिंग के अंदर एंटरटेन करता है, लोग पैसे खर्चते हैं उस चीज के लिए, तो रॉक मैं कहना चाहता हूं भाई कि इक्वल है ऑलमोस्ट, वो भी ये काम कर सकता है। लेकिन साथ के साथ वो WWE के लिए जो अक्रॉस द
मीडिया अक्रॉस सारी चीजें जो पॉपुलैरिटी गेन करके ला सकता है वो किसी से कंपेयर नहीं करी जा सकती सोशल मीडिया पे, WWE नेटवर्क में। और आप सोच सकते हैं कि आज के WWE नेटवर्क के जमाने में अगर द रॉक की प्राइम वाला कैरेक्टर हम डाल दें तो WWE को कितना प्रॉफिटेबल होगा, मतलब फाइनेंशियली दे विल बी थ्रू द रूफ। और रॉक गाइस इस वजह से लिस्ट में है। और अगर मैं नंबर वन नाम की बात करूं तो आप शायद इससे सरप्राइज होंगे कि ये नंबर वन पे क्यों था, लेकिन मैंने इनको डाला। एंड हिज नेम इज द रेटेड आर सुपरस्टार एज, जो कि है 11 टाइम चैंपियन, यानी कि रॉक और ऑस्टिन, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, इन सभी से ज्यादा बार एज वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इसका रीजन आप सोचेंगे क्यों, बिकॉज एज इज एक्सीलेंट। आप लोगों ने एज की प्राइम शायद नहीं देखी होगी भाई, लेकिन आप मेरे पे विश्वास कीजिए, एज से बेटर हील हमें उस मोमेंट पे WWE में शायद ही कोई देखने को मिलता था। मतलब उनके जो तरीके होते हैं ना काम करने के, वो कोई नहीं सोच सकता। उनके आइडियाज अनोखे होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी फ्यूड में चीजों को ऐड करते हैं वो अनोखा होता है। और मुझे पता है कि जबकि वो क्रिएटिव कंट्रोल के लिए होता है, अगर हम देखें एज और क्रिश्चियन की टैग टीम वो इतनी कमाल की, एज एज ए सिंगल सुपरस्टार फिनोमिनल। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं नंबर वन पे एज को मैंने जैसा किया, कोई ऑर्डर नहीं है, इनको मैं 10 पे भी रख सकता था, लेकिन एज एक ऐसा बंदा है जिसने 2020 में भी रिटर्न करके ऐसा रिएक्शन पा लिया जो कि शायद कोई भी और सुपरस्टार नहीं पा सकता था। और अगर प्राइम वाला एज आज की WWE के अंदर आ जाए तो भाई बस सोच लो कि क्या होगा, कितना ज्यादा कमाल वो बंदा कर सकता है। तो ये है गाइस 10 ऐसे WWE के लेजेंड्स जिनकी प्राइम को अगर मैं उठा के आज की WWE में डाल दूं तो किस तरीके का फायदा हो सकता है WWE को, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और आखिर क्यों वो टॉप वर्ल्ड चैंपियंस बन सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं मैं इसके रिवर्स वीडियो बनाऊं कि आज के चैंपियंस को अगर मैं पहले जमाने में डाल दूं तो कौन कमाल का चैंपियन बन सकता है, डेफिनेटली गाइस मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक बटन को दबाना ना भूलें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।